गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारा कल का टॉपिक था वो था हमारा वैन आरेख। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना करना। तो ये जो चैप्टर है वो हर बार चैप्टर पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार होता क्या है कि आप लोग गलती कर जाते हो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। आप गिनने की गलती कर बैठते हो, आप गिनने बैठ जाते हो, आपका बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस हो जाता है और आप काउंटिंग फिर भी नहीं कर पाते हो अगर बहुत बड़ा आ गया, बहुत बड़ा फिगर आ गया तो। तो अब करना क्या है कि जो फिगर है वो हम आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे फाइंड करना है, कैसे उनकी काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक फिगर लेते जाएंगे और उसे मैं आपको बताते जाएंगे। चलो पहला फिगर लेता हूँ। चलो ये जो पहला फिगर बन गया आपका, ठीक, ये जो आपका पहला फिगर है इसमें आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं, पूछ ले नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कितने आयत हैं, इसको कहते हैं वर्ग, ये क्या है आयत। ठीक है, तो ट्रिक बड़ी इजी, सीधे ट्रिक से बताते हैं, कोई आपको बेसिक नहीं पढ़ना है। करना क्या है आपको, करना है एक दो, इसमें दो कॉलम है, कॉलम जब लिख जाएंगे तो रो लिखो, एक दो, दो रो हैं। अब जो करना क्या है, जब आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं तो आपको करना क्या है, दोनों के कॉलम का सबसे बड़ा वाला अंक और रो का सबसे बड़ा वाला अंक उठा लीजिए और क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो गुणते दो प्लस। अब करना क्या है, एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक दो में एक कम किया एक, एक में कम किया एक, अगर आगे करेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो आगे का कोई केस नहीं बनता है। और जब ये आ जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, चार प्लस एक बराबर पाँच। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वर्ग कितने आ गए, तो वर्ग आ गए पाँच, वर्ग आ गए कितने आ गए पाँच वर्ग आ गए। अगर बात करें आयत की, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, वर्ग भी एक आयत होता है। कैसे, क्योंकि अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया जाए, या किसी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया जाए, तो वो एक क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अगर पूछे रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल, अगर ये ना कहे कि ओनली रेक्टेंगल, ओनली अगर रेक्टेंगल ना कहे, अगर वो कह दे कि केवल रेक्टेंगल आयत बताइए, या कह दे टोटल रेक्टेंगल, क्या कह दे टोटल रेक्टेंगल, तो आप सदैव याद रखिएगा कि उसमें वर्ग भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ टोटल रेक्टेंगल या सीधे आयत कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको करना ये है कि दो रो के नंबर जोड़ लेने हैं और कॉलम के नंबर जोड़ लेने हैं, जो भी उनका दोनों का योग आएगा उनका आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो दो और एक तीन, दो और एक तीन, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो नाइन आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल रेक्टेंगल आ जाएगा। टोटल रेक्टेंगल, कुल टोटल आयत की बात हो गई। अब अगर बात करें ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, मतलब केवल आयत, अब उसमें वर्ग को शामिल नहीं करेंगे, अब उसमें स्क्वायर को शामिल नहीं करेंगे, तो आपको करना क्या है कि टोटल रेक्टेंगल जो आया है, मैंने बताया है अभी कि जो एक जो वर्ग होता है वो एक आयत भी होता है, इसलिए आप करेंगे क्या कि अब तो इस वाले जो टोटल जो रेक्टेंगल है, जो टोटल आयत है, इसमें वर्ग भी शामिल होंगे। तो अगर हम टोटल रेक्टेंगल में अगर हम स्क्वायर को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। बात मेरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे तीन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आपको कभी वर्ग निकालना है तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको कॉलम की नंबरिंग कर लेनी है, आपको रो की नंबरिंग कर लेनी है, कॉलम कॉलम का सबसे बड़ा नंबर उठाना है, रो का सबसे बड़ा नंबर उठाना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई कराना है। तब तक करना है जब तक एक ना आ जाए, और जैसे एक आएगा फिर उसमें आप अगर एक कम कराओगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा, इसलिए वन तक कराना। मैंने यहाँ किया टू इंटू टू, टू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वन, टोटल आंसर आया फाइव।
टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको टोटल क्या करने हैं, रो को जैसे 1, 2, 3, 4 तो 1+2+3+4 नंबर पूरे जोड़ देने हैं, रो के पूरे नंबर जोड़ देने हैं और क्या कर देना है, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। अगर बात करें ओनली रेक्टेंगल की, अगर करें केवल आयत की बात करें तो टोटल आयत में स्क्वायर को क्या करोगे आप, सबट्रैक्ट कर दो। क्यों कर दोगे, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। कैसा आयत होता है, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे की बात करते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताया ये आप ट्रिक लिख लीजिएगा, ये आप ट्रिक लिख लीजिएगा, बाकी मैं और भी क्वेश्चन बताता हूँ उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग फिगर जरूर बनाते जाइए वरना फिर आप कर नहीं पाओगे बाद में। तो इसने पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग पूछ रहा है, रेक्टेंगल पूछ रहा है और ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है। तीनों चीजें निकाल के बताता हूं। ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है, देखो क्या करना है स्क्वायर करने। मैंने कहा सबसे पहले कॉलम और रो की क्या करोगे, नंबरिंग करो 1, 2, 3 और 4 1, 2, 3 और 4। मैंने कहा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर निकालने के लिए करते हो कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और रो का सबसे बड़ा नंबर उठाओ और क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, प्लस एक एक कम करो 3, तो 4 में 1 कम हुआ 3 गुणते 4 में 1 कम हुआ 3 प्लस 2 गुणते 2 प्लस 1 गुणते 1 इतना आ गया, 4 चौको 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना आ गया 25, 4, 29 और 1, 30 तो कितने रेक्टेंगल आ गए, तो रेक्टेंगल आ गए हमारे, स्क्वायर आ गए हमारे 30 आ गए। अब देखो मैंने रेक्टेंगल पूछे, ओनली रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल पूछते इसका मतलब होता है टोटल आयत। अगर टोटल आयत पूछता तो मैंने कहा है कि इनका क्या कर दो आपस में, ये जो कॉलम के नंबर इनको आपस में ऐड कर दो, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 रो के नंबर को आपस में ऐड कर दो तो ये भी आया 10। तो ये जो नंबर आते हैं ऐड करने से दोनों को क्या कर दो आपस में, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 10 = 100। तो टोटल रेक्टेंगल या रेक्टेंगल कितने आ गए, 100 आ गए। अब ओनली पूछ रहा है तो क्या करना है, रेक्टेंगल में आपको स्क्वायर क्या कर देने हैं, घटा देने हैं। तो रेक्टेंगल कितने आ गए, 70 रेक्टेंगल आ गए। इसमें बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी बात है। और आप ये यहाँ पे आप क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में आपको कभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनमें कभी दिक्कत नहीं होगी, आप तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वीडियो पॉज करिए, सबसे पहले आप खुद कोशिश करिए इसकी। निकालना है स्क्वायर, रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल तो हो गया, ओनली रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, नहीं आ रहा है फिर तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। चलो करना क्या है, स्क्वायर निकालेंगे फिर से, सबसे पहले नंबरिंग 1, 2, 3, 4 और 5 1, 2, 3 और 4 हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या कहा था, सबसे बड़े दो अंक उठा लीजिए, रो का और कॉलम का सबसे बड़ा अंक उठा लीजिए, दोनों का क्या कराइए आपस में मल्टीप्लाई कराइए, प्लस कर दीजिए एक एक कम करके, तो ये हो गया 3 × 5 3 × 4 प्लस फिर से एक एक कम कर दे 2 × 3 फिर एक एक कम कर दे 1 × 2। अब जो कि आगे करेंगे अगर एक में एक कम कर देंगे तो आ जाएगा 0, तो वहां तक आपको नहीं जाना है। तो आ गया 20 + 12 + 6 + 2 कितना आ गया, 6, 2, 8, 20, 20 कितना आ गया, तो आगे स्क्वायर आ गया 40। अब अगर बात करते हैं रेक्टेंगल की, मैंने क्या कहा था
कॉलम के सब पूरे अंक जोड़ लो, फिर पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, दुई चौदह, एक पंद्रह, इसका आ गया 15 रो का आ गया। कॉलम का आप जानते हैं अभी 10 निकाला था, अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 150। तो रेक्टेंगल या टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए, तो टोटल रेक्टेंगल आ गए 150। अगर बात करें ओनली रेक्टेंगल की, तो टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर को अगर आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो ओनली रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। तो 150 में 150 में 40 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपका 110, आपका 110 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 110 रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर कितने आए 40, रेक्टेंगल कितने आए 150, और ओनली रेक्टेंगल कितने आए 110। इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं और लगभग हर एक पेपर में, हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको आने बहुत ही जरूरी हैं। अब चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन में, नोट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले सवाल करने की खुद कोशिश करिए, फिर नहीं आता है तो बाद में तो हम बता ही रहे हैं। चलो अगला एक और क्वेश्चन आता है, आज का चौथा क्वेश्चन आ रहा है, वो कुछ इस प्रकार से बना है, एक दो तीन चार पाँच, कुछ इस टाइप से बना है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमें बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, क्या बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करोगे। तो हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की नंबरिंग करेंगे जो वाकई में कॉलम है, ये कॉलम है नहीं तो इसकी नंबरिंग नहीं होगी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। नंबरिंग करो एक दो तीन चार और पांच, इसकी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कॉलम है ही नहीं। ये क्या है ये एक त्रिभुजाकार आकृति, तो हमें त्रिभुज नहीं निकालना है, हमें आयत निकालना है या तो वर्ग, तो भाई मैं ये आयत पूछ रहा हूँ, तो इसका इसका कोई भी यूज इसमें नहीं है, ना ये कहीं से कुछ बना रहा है कि अगर ये इधर से कुछ होता तो ये कुछ बनाता, तो ये कुछ बना भी नहीं रहा है। एक दो नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने मैंने क्या कहा था, सब पूरे क्या करना है, कॉलम को ऐड कर देना है नंबर को और फिर टोटल रो को, तो अगर कॉलम को ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 15 और एक और दो तीन, क्या करोगे 15 × 3 = 45। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे 45 आ जाएंगे। बात करें स्क्वायर की तो बताइए स्क्वायर कितने आएंगे, मैंने स्क्वायर के लिए कहा था कि कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और रो का सबसे बड़ा नंबर आप क्या करोगे उठा लोगे और दोनों का क्या करवा दोगे मल्टीप्लाई करवाओगे, और कैसे करवाना है 5 × 2 किया प्लस एक एक कम करो 4 × 1 किया। अब अगर आगे करेंगे तो 4 × 0 होगा जो कि ऑलरेडी 0 हो जाता है, इसलिए आगे तो सीरीज हमारी जाएगी नहीं। तो अब क्या होगा जब आगे सीरीज नहीं जाएगी, तो 5 × 10 और प्लस 4 = 14, स्क्वायर कितने आ गए 14। अब आप जानते हैं अगर यहीं पे आपको पूछ ले ओनली स्क्वायर, तो ओनली स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ओनली स्क्वायर निकालने के लिए आप करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर को अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी आप याद रखिए, तो ये चित्र देखो, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको क्या आ जाएंगे डायग्राम दिए जाएंगे, फिर उनमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमें हमारा बेसिक क्या था, हमें बताया कैसे गया था, और अगर आपको अपना बेसिक क्लियर होगा तो आप बिल्कुल ऐसा विश्वास है कि आप पक्का और पक्का अपने 100% अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ में हम अपना क्या करते हैं अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगला चित्र कुछ इस प्रकार से बना है, इस टाइप से बना, उसके बाद में ये भी बना हुआ है। ओके, अब इसमें कह रहा है
कि फाइंड करिए नंबर ऑफ स्क्वायर, क्या फाइंड करिए नंबर ऑफ स्क्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करने, बताइए कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले इनको भूल जाओ, सबसे पहले आप अपने बड़े चित्र में स्क्वायर फाइंड करो। कैसे करोगे, नंबरिंग करो, एक दो तीन चार और पाँच, एक दो तीन चार और पाँच। सबसे बड़े बड़े नंबर मैंने कहा था उठाने होते हैं, बड़े बड़े नंबर आपने उठा लिए, मल्टीप्लाई कराया, पाँच गुणते पाँच प्लस क्या करोगे, एक एक कम करने के लिए बोला तो एक एक कम करो, तो चार गुणते चार प्लस तीन गुणते तीन प्लस दो गुणते दो प्लस एक गुणते एक करेंगे 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 55। बात समझ में आई, टोटल क्या आएगा 55। लेकिन अभी इसका आंसर नहीं हुआ, अभी तो हमने बड़े वाले में देखा है, अब हम क्या करेंगे छोटे वाले में देखेंगे। तो अगर छोटे वाले में जाओगे तो उन्हीं तरीके नंबरिंग करो, एक दो एक दो, एक दो एक दो कितना हुआ, प्लस करना है भाई, यही तो करोगे, यहाँ से बड़ा वाला उठाओगे, यहाँ से प्लस नहीं करना है, स्क्वायर निकालने यहाँ से बड़ा वाला, यहाँ से बड़ा वाला उठाओ। तो अब ये क्या है, एक स्मॉल स्क्वायर है कि नहीं है, तो लिखने के लिए आप अपनी के लिए स्मॉल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्मॉल स्क्वायर में क्या करना है, दो गुणते दो, अब एक एक कम करो तो एक गुणते एक, तो टोटल क्या आ गया, चार और एक कितना आया, पाँच। एक स्मॉल स्क्वायर का पाँच है कितने, चार, एक दो तीन चार, तो पाँच गुणते चार नहीं कर लोगे, तो बराबर आपके 20 स्क्वायर ये बन गए, 55 स्क्वायर ये हैं, 20 ये बन गए, तो टोटल नंबर आप स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 55 प्लस 20 इज इक्वल टू 75। तो टोटल नंबर आप स्क्वायर कितने आ गए आपके, टोटल नंबर आप स्क्वायर आपके आ गए 75। तो हमेशा याद रखिए, कितना भी बड़ा चित्र आ जाए आपको उसमें ज़रा सा चिंता करने या ज़रा सा पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने बेसिक क्लियर रखिए। अब इसमें कोई बच्चा मतलब गलती ना कर बैठे, तो ये अपना अलग है, तो इसका अलग अपना निकालो और पूरे का अलग निकालो। जब इसका एक स्मॉल का निकल आया, चार है, चार का मल्टीप्लाई कर दिया, जो टोटल स्क्वायर पहले आए थे और जो स्मॉल स्क्वायर से आए उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी से रेक्टेंगल निकालने के लिए बोले तो ओनली रेक्टेंगल निकालने के बोले तो मुझे ऐसा विश्वास है आप कर लोगे। करना क्या है, छोड़ दो सबको, कितना आएगा 15, इधर भी आएगा 15, तो 15 15 225 हो जाएगा, और स्मॉल वालों का निकालो, 3 3 9, तो नचो को 36 प्लस कितने हो जाएंगे, 36 जोड़ दोगे 1 6 और 2, तो 261 कितने आ जाएंगे, 261 टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। अब अगर ओनली निकालना हो तो ओनली कैसे करोगे, इसमें 75 को क्या कर दो, घटा दो, तो ओनली निकल आएगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको जरा सा ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि मैंने ट्रिक कैसे बताई है, ट्रिक को आप याद रखिए, ठीक है। चलो बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और नंबर काउंटिंग के क्वेश्चन पूछे, पक्का पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, बड़े पेचीदे टाइप के क्वेश्चन रखते हैं, तो अगर आपको बेस आता है तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी से संबंधित। ये देखो, एक मिनट, एक मिनट फॉर्म बना लें। ये देखिए, ऐसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ओनली, क्या पूछ रहा है, ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है, ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे बताइए। ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए, अब इसमें देखो, इसमें डायरेक्टली भी निकालेगा। अच्छा आप इस लाइन को जरा सा देखो, इस लाइन को ये क्या बना रहा है, तो एक तो ये रेक्टेंगल बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये बन गया। बात समझ में आई, ऐसे इसमें करेंगे तो एक ये अगर इसको ऐसे उठा लो, तो जो एक लाइन है वो कितने रेक्टेंगल बना रही है, तीन रेक्टेंगल बना रही है। टोटल लाइनें कितनी है,
चार, तो अगर हम कर दें 3 × 4 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे, ओनली रेक्टेंगल बनेंगे 12। भाई देखिए 1, 2 और 3, अगर ये लाइन ना होती तो शायद ना बनता, ऐसे नीचे वाला 1, 2 और ये 3, ऐसे हर लाइन 3-3 रेक्टेंगल बनाएगी तो 4 लाइनें कितनी बनाएंगी, तो 4 लाइन बड़ी सीधी सी बात है 4 लाइन बनाएंगी 12 रेक्टेंगल। तो एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इन क्वेश्चंस के बाद में हम चलते हैं जो हमारे ट्रायंगल गिनने होते थे, त्रिभुज गिनने होते थे, उनमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो जरा हम उनमें चलते हैं। ये हो जाएगा आज का हमारा 6वां क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 7वां क्वेश्चन अब हमारा हो जाएगा ये। चलो सिखाते हैं कि त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगर आप इसका बेस सीख गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करिएगा बेस पे, ठीक है। चलो अब देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालने है, बड़ी सादी सी ट्रिक है। 1, 2 त्रिभुज की काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों जितने त्रिभुज, जैसे 1, 2 काउंटिंग हुई, 1 + 2 दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इसमें टोटल नंबर आप ट्रायंगल कितने होंगे, 3। चाहे देखो 1, 2 और ये पूरा वाला 3, ये देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये पूरा क्या हो गया 3, तो इसमें 3 ट्रायंगल है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस अच्छा काउंटिंग कर लो, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। बात करेंगे इसी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितने हैं, 10। आपको करना हो तो आप घर में फुर्सत है आपके पास इतनी, आप आराम से बैठ के इसको क्या करते रहिए, इसको देखते रहिए, इसमें ट्रायंगल निकालते रहिए। ये क्या है, ये तो हो गई भाई ट्रिक कि अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने हैं तो आपको क्या करनी है, आपको उनकी, आपको करना क्या है कि उनमें नंबरिंग कर लेनी है, और जो नंबरिंग आएगी उसको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है, वही आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब अगर आगे चलें बात करें कुछ और ट्रायंगल्स की, तो ये तो है इसका बेसिक, तो बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ वेरिएशन ला दिया जाए, अगर थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल की बात कर लें, चलो करते हैं 1, 2 अब इसमें अगर मैं पूछ लूं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो कैसे बताएंगे आप, तो आप कहेंगे सर जी आपने हमको एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है कि आप कुछ मत करो, आप इनका क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने, सबको उठा के ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बताइए, 15 × 6 = 21 कितना आ जाएगा, 21 आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो आंसर आपका आ जाएगा 21। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, बात समझ में यहाँ पे आ जानी चाहिए। कितना भी बड़ा आपको ट्रायंगल दे दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग के बाद में आपको क्या बता देना है, उसका आंसर बता देना है, केवल सबको ऐड कर देना और आंसर बता देना है। बात समझ में आ गई। ये जो है ये टाइप कैसा है, ये टाइप फर्स्ट है किसका, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का। इस प्रकार से अगर आपको ट्रायंगल दे करके आएगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहली बार ट्रायंगल में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले आपको बेसिक याद रखना है कि ये बेसिक हमें कैसे करना था, तभी आप एडवांस क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आप अच्छे अच्छे फिगर को क्या करेंगे, उसमें नंबर आप काउंटिंग तभी आप फिगर से उसमें कर पाएंगे, ट्रायंगल से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको फिगर क्लियर होना चाहिए, कभी भी अगर एक शीर्ष से, समझो मेरी बात, कभी भी अगर एक शीर्ष से उसके सामने ऐसे रेखाएं खींची गई हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, तो आपको इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या करते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, समझो मेरी बात, पहले एक साइड में छोटा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिया गया 1, अब कर इसमें बताइए, इसमें काउंटिंग करके बताइए हमें कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि सबसे पहले आप इनको भूल जाइए, सबसे पहले यही वाली तो इसमें रेखाएं खींची गई होंगी, तो सबसे पहले त्रिभुज तुम यही वाले तो देखेंगे, तो सबसे पहले काउंटिंग करो 1, 2, 3 और 4, तो टोटल त्रिभुज कितने आ गए, 1, 2, 3 कितने आ गए,
दस आ गए त्रिभुज, बात समझो मेरी, दस है यहाँ पे। अब देखो करना क्या है, जितनी हॉरिजेंटली लाइनें हो आपको जस्ट उतने से मल्टीप्लाई करा देना है। कितनी लाइनें हैं, एक दो और तीन, तो तीन से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई करा दोगे, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे, तीस। अब अगर आपको विश्वास नहीं तो आप याद रखिए यहाँ पे दस आए, अब इसको अब यहाँ से हम ट्रायंगल फाइंड करो, एक दो तीन चार, यहाँ से दस बनेंगे, फिर एक दो तीन चार, यहाँ से दस बनेंगे, दस 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 तीस, बात समझ में आ गई, दस प्लस दस प्लस दस। या तो आप ऐसे कर लो या तो आप सीधे सीधे ट्रिक को फॉलो कर लो कि आप एक बार नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लो, उसके बाद में ये देखो कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उनको क्या करो मल्टीप्लाई करा दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन में, आप बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले सर हमने यहां पे एक दो तीन चार पांच छह यहां पे टोटल आया 21। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हॉरिजॉन्टल ये कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी, एक दो तीन और चार, चार लाइनें हैं, चार का करा दो मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 84, 21 चौको 84, तो आपके रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे 84। अगर आप करने जाएंगे तो यही करो, एक दो तीन चार पांच और छह, यहाँ से देखो फिर इधर से देखो, एक दो तीन चार पाँच और छः, यहाँ फिर यहाँ से देखो, एक दो तीन चार पाँच और छः, बतीनों को अगर तो ऐड करोगे इसमें आगे 21, इस वाले में 21, इस वाले में 21 और इस वाले में 21, अगर आप ऐसे करोगे तब आपका आंसर 84 आएगा। इससे अच्छा है कि आप ट्रिक को फॉलो करो और सीधे सीधे अपने आंसर तक पहुँच जाओ। तो मेरा ऐसा मतलब मानना है कि आपको ये वाली ट्रिक, देखिए जो हम आपको ट्रिक बताते हैं आप कहीं पे नोट कर लीजिए, याद रखिए छोटी छोटी ट्रिकें हैं, मैं कोई बहुत बड़ी आपको ट्रिक नहीं बताता हूँ जिससे आपको परेशानी हो उसको याद करने में। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, हेड ट्रायंगल से ही संबंधित लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया है। कैसे, देखो यहाँ पे किया ये गया है, ऐसे कुछ बन गया, कुछ ऐसे बन गया, कुछ ऐसे हो गया और कुछ ऐसे हो गया। अब कह रहे इसमें नंबर ऑफ क्या बताइए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइए, तो आपको करना ये है काउंटिंग करिए, एक दो तीन चार और पाँच, इसकी भी कर दीजिए, एक और दो इसकी करिए, एक दो तीन इसी करिए, एक दो तीन और इसकी करिए, एक और दो, सबको उठा के आपस में ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। करो, पाँच चार नौ, तीन बारह, दो चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह प्लस एक दो तीन प्लस दो दो तीन पाँच एक छः प्लस तीन दो पाँच एक छः प्लस दो और एक तीन, कर दो पूरा ऐड, पंद्रह तीन अठारह, अठारह छः चौबीस, चौबीस छः तीस, तीन तैंतीस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 33। बात समझ में आई कि नहीं है। ऐसा इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कतई डरने की जरूरत नहीं, बस आप पेशेंस रखिए और अपने बेसिक में दिमाग लगाइए कि हमने बेसिक कैसे पढ़ा था और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसी के साथ में ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था नम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, हम बहुत सारे और डिफरेंट और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप पढ़िए, बेसिक क्लियर करिए और जो अगली क्लास आएगी उसमें आप क्या करिए, धड़ाधड़ आंसर दीजिए। तो इसलिए आपको बेसिक बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करिए, एक क्लास पढ़िए और आगे वाली क्लास जो आएगी उसमें हम आपको और एडवांस लेवल के फिगर से इससे संबंधित क्वेश्चन और एक दो टाइप और बताएंगे जिससे आपकी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।